please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल लेटर हेड यानी कि लेटर पैड डिजाइन किस तरीके से करते हैं। सब कुछ प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहां पर देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप लोग इजीली यहां पर किसी भी तरीके का डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पर प्रोफेशनल लेटर हेड डिजाइन करने के लिए पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। आपका प्रिंटर का कौन से साइज के अंदर आप लोग प्रिंट करते हो, वही साइज के अंदर आप लोग यहाँ पर लेटर पैड डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, लेटर पैड डिजाइन का साइज A4 साइज के अंदर होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है लेआउट टैब के अंदर। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले मार्जिन्स आपको नैरो कर लेना है। ध्यान से देखिए, मार्जिन्स आपको नैरो करने के बाद आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको जाना है दोस्तों साइज के अंदर। साइज के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है A4 पेपर का साइज। जस्ट आपको दोस्तों दो स्टेप करना है, मार्जिन्स नैरो, साइज आपको A4 साइज। उसके बाद दोस्तों, आप लोग इजीली यहाँ पर डिजाइंस कर सकते हो। आपका डिजाइंस का कंसेप्ट जिस तरीके का भी होना चाहिए, तो आप लोग इजीली यहाँ पर डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर दोस्तों एक शेप क्रिएट करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये वाला एक शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, रेक्टेंगल डायगोनल कॉर्नर वाला शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट इसको यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए प्रॉपरली यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको दोस्तों इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ जितना हो सके। इस तरीके से आपको राउंड करना है। राउंड करने को दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर शेप क्रिएट होकर आ चुका है। जस्ट इसको आपको आउटलाइन फिलहाल के लिए नो आउटलाइन करना है। अब आप चाहे तो इसको चाहे तो थोड़ा सा शिफ्ट होल्ड करते बढ़ा कर सकते हो साइज वगैरह। उसके बाद दोस्तों, इसी शेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक और शेप क्रिएट करना है। जस्ट इंसर्ट शेप। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल या फिर इस टाइप का राउंडेड रेक्टेंगल, टॉप कॉर्नर वगैरह जो भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर काम कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मैं ये वाला भी सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये वाला भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट इसको दोस्तों इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए जस्ट ये वाला रोटेट करते हुए, शिफ्ट होल्ड करते हुए रोटेट करते हुए एग्जैक्टली इसी के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आउटलाइन नो आउटलाइन दे रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर साइज मेंटेन हो चुका है। जस्ट इसको आपको थोड़ा सा डाउन करते हुए, साइज मेंटेन करते हुए जस्ट अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्लेसमेंट करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट जस्ट इसको सेंड बैकवर्ड करते हुए इसको कलर आप चाहे तो जो भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर आपको जो कलर पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर देना चाहूँगा, इस तरीके का डार्क ग्रीन, या फिर ये वाला ग्रीन को चूज करते हुए यहाँ पर मोर कलर ऑप्शन के ऊपर में जाकर थोड़ा सा डार्क ग्रीन कुछ इस टाइप का दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर इसको कलर यहाँ पर मैं दोस्तों रेड कलर इस तरीके से दे रहा हूँ। इस तरीके से रेड कलर देने के बाद दोस्तों, अब मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाला को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से मैनेज करते हुए थोड़ा सा साइज दोस्तों यहाँ पर छोटा करते हुए इस तरीके से प्लेसमेंट कर दूंगा। जस्ट इसको ऊपर थोड़ा सा करते हुए, और दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये वाला शेप को क्लिक करते हुए फॉर्मेट जस्ट या फिर राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको लाइन के अंदर क्लिक करते हुए दोस्तों देख सकते हो, लाइन के अंदर क्लिक करते हुए इस तरीके से आपको लाइन को यहाँ पर काम करना है। जैसे कि यहाँ पर इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए सॉलिड लाइन के ऊपर में क्लिक करते हुए जस्ट यहाँ पर लाइन कलर वाइट देना है। वाइट देने के बाद दोस्तों, यहाँ से लाइन का वाइट इस तरीके से जितना हो सके आपको यहाँ पर इनक्रीज कर देना है। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर लाइन इनक्रीज कर रहा हूँ। इनक्रीज करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको कटआउट जैसा लुक आपको देखने को मिलेगा। जस्ट फिर से आपको यहाँ पर लाइन इंक्रीज करना, मे बी यहाँ पर मैं 7 PT या फिर 8 PT के आसपास कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइज मेंटेन करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, और दोस्तों इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इधर करते हुए इस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस कर रहा हूँ। और दोस्तों इसी को थोड़ा सा और इसको ऊपर करूँगा जस्ट थोड़ा सा लाइक दिस। आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इसको जूम करते हुए ऊपर करूँगा, और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर कम्प्लीटली मैनेज कर दूँगा। मैनेज करने के बाद दोस्तों, इस दोनों को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा लाइन एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ऊपर करते हुए यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जो भी
कलर वगैरह यानी कि जो भी आपके पास लोगो है वो लोगो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करते हुए, पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए, यहाँ पर दोस्तों डी ड्राइव के ऊपर में जाकर ये वाला लोगो सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए दोस्तों इस वाले लोगो को यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा एग्जैक्टली इसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी नेम है वो नेम वगैरह यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए सेव के ऊपर में या फिर वर्ड आर्ट के ऊपर में जाकर वर्ड आर्ट स्टाइल वन क्लिक करते हुए यहाँ पर सबसे पहले होम, नो स्पेसिंग। अब दोस्तों आपको जो भी फॉन्ट पसंद है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा बोल्ड के लिए। जस्ट यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ ग्लोरी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप किया, जस्ट इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा लाइक दिस। आप चाहे तो इसको फॉन्ट वगैरह साइज इंक्रीज करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हुए या फिर आप चाहे तो इसको अलाइनमेंट सेंटर वगैरह यहाँ पर करते हुए जस्ट इसको सेंटर करते हुए इस तरीके से यूज कर सकते हो। मुझे दोस्तों यहाँ पर अच्छा लग रहा है। जस्ट इसको कलर दोस्तों यहाँ पर मैं वाइट देना चाहूँगा और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से ऊपर करते हुए यहाँ पर मैनेज करूँगा। आप चाहे तो ये वाला शेप्स को थोड़ा सा ये वाला लोगों को साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों इसी को कंट्रोलर शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर पतला सा फॉन्ट यूज करूँगा कैलिब्री। जस्ट इसको यहाँ पर नो स्पेसिंग या फिर आप चाहे तो इसको साइज वगैरह छोटा करते हुए यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जस्ट आप लोग यहाँ पर टाइप कर लीजिए एड्रेस जो भी है यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एड्रेस टाइप किया। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करूँगा 14 के आसपास। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करते हुए इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा आइकोमोन फ्री फ्रंट। और दोस्तों यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए सिंबल्स के ऊपर में जाकर यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट वाला ये वाला सिंबल दोस्तों देख सकते हो। आइकोमोन फ्री फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर सभी सिंबल्स देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो जो भी कॉन्टैक्ट आपको पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए जस्ट इंसर्ट क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्पेस प्रेस करते हुए आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वही टाइप करना है। जैसे कि प्लस 01234567 89 कुछ इस तरीके से मैंने टाइप किया। इसको सेलेक्ट करते थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करूँगा मे बी 11 के आसपास ताकि एग्जैक्टली यहाँ पर आपको सेट करने में आसान हो जाए। जस्ट इसको यहाँ पर एक और लाइन देकर फिर से प्लस 01234567 89 कुछ इस तरीके से टाइप करूँगा। अब दोस्तों इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते कॉपी करते दोस्तों यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं ये वाला ईमेल का लोगो यूज करूँगा जस्ट स्पेस। और दोस्तों जो भी ईमेल है वही आपको टाइप करना है your.com। दोस्तों अब आपको यहाँ पर वेबसाइट वगैरह का नेम भी तो आप यहाँ पर सिंबल के अंदर क्लिक करते ये वाला चूज करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है www.website.com.np कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। दोस्तों देख सकते हो प्रॉपरली कितना प्यारा तरीके से हेडर यहाँ पर कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है। इसी को भी आप चाहे तो यहाँ पर आइकोमोन फ्री फ्रंट सेलेक्ट करते हुए जस्ट यहाँ पर आपको 12 का फॉन्ट साइज देकर थोड़ा सा आपको नीचे करते हुए इस तरीके से रखते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। जस्ट स्पेस करते हुए यहाँ पर आपको सिंबल के अंदर इंसर्ट सिंबल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करते हुए जस्ट आपको लोकेशन का सिंबल यहाँ पर अप्लाई करना है ये वाला। जस्ट ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। जस्ट इसको क्लिक करते हुए थोड़ा सा इधर उधर करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आप लोग मैनेज कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कम्प्लीटली कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ऊपर का काम हो चुका है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ पर भी मैं इस तरीके से एक लाइन सेलेक्ट करना चाहूँगा कुछ इतना तक। और दोस्तों यहाँ पर लाइन का वेट थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा मे बी 1 PT 1.5 PT। और दोस्तों यहाँ पर रेड कलर ये वाला और इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए दोस्तों देख सकते हो ये वाला लाइन को ही मैं यहाँ पर कॉपी करना चाहूँगा। जस्ट इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से इतना तक यहाँ पर लाइन इंक्रीज कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर लाइन कलर सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा ग्रीन कलर कुछ इस टाइप का दोस्तों देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लूँगा तो ध्यान से देखिए कितना प्यारा तरीके से दोनों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर करते हुए मैनेज कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा लुक यहाँ पर डिजाइंस के ऊपर में आ चुका है। अब आप चाहे तो ये वाला मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दोस्तों ये वाला लाइन जस्ट इसको मैं यहाँ पर लाइन के अंदर क्लिक करते हुए थोड़ा सा साइज यहाँ पर छोटा कर दूंगा। अब दोस्तों दोनों को सेलेक्ट करते हुए फिर से इसी को लाइन को कॉपी सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए
दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर लेना चाहूँगा इसी को, आप लोग देख सकते हो शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा नीचे करते इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक वाटरमार्क क्रिएट करना है, उसके लिए दोस्तों इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए शेप, जस्ट आपको ये वाला रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप, आपको फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए फिल के अंदर जाना है, पिक्चर्स और टेक्सचर के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फाइल के अंदर क्लिक करना है, फाइल के अंदर क्लिक करना है। अभी आप लोगों ने जो भी लोगो सेलेक्ट किया था वही लोगो आपको सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर इसको आउटलाइन नो आउटलाइन करना है। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा करते हुए आपको जहाँ पर इसको लोगो को रखना है रख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स और टेक्सचर फील से इंसर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, जितना हो सके आपको इंक्रीज करना है। मे भी यहाँ पर मैं 91 के आसपास करते इसको क्लोज कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पर लेटर हेड डिजाइन होकर आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कम्प्लीटली मैंने एक यहाँ पर लेटर पैड डिजाइन क्रिएट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसको जितना चाहिए उतना प्रिंट करते हुए आप लोग इजिली स्कूल के अंदर या फिर कंपनी के अंदर जहाँ पर भी आपको इसको यूज करना है इजीली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर लिबर आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।